वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक आदेश जिसे खुद एसीएस केके पाठक ने पलट दिया है। ये लग रहा है कि अब केके पाठक बैकफुट पर है। शिक्षकों का यह साफ कहना है कि बिना किसी शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऐसे में ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। मामला पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है, 13 मार्च को सुनवाई होनी है। और से यही कह रहे हैं कि सरकार हमें ऐसी परीक्षा से मुक्त कर दे, साथ ही डोमिसाइल नीति को भी सरकार लागू करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया था, 6 तारीख को परीक्षा खत्म हो गई, 26 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हुई थी। अब जाकर कई सारे नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी बीच गोपालगंज पहुंचे केके पाठक ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने ऐलान कर दिया। गुरुवार रात बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राजापट्टी गेस्ट हाउस में समीक्षात्मक बैठक की। पाठक का एक नया आदेश जारी है जिससे ये लग रहा है कि अब केके पाठक बैकफुट पर है। बता दें कि शिक्षा विभाग के सीएस केके पाठक का आदेश अब आया है। केके पाठक के इस नए आदेश के बाद कहा जा सकता है कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। अभ्यर्थियों की भी सरकार से उम्मीदें बढ़ने लगी है। सीधी बातचीत करते हैं हमारे साथ कई गहमागहमी था, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा, बिना बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा मिले और उनको न्याय मिलना चाहिए। आईआईटी लेवल से भी ऊपर के प्रश्न पूछे गए थे, परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। मैंने यही है कि डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, डोमिसाइल जब तक बाहरी वाला देना ही है तो 10% दे। नियोजित शिक्षकों को एक उम्मीद मिल जगी है उनके बीच की सरकार जो है उनकी बात सुनेगी और राजकर्मी का दर्जा देगी, तो जो कहा जा सकता है कि वो बैकफुट पर आ गए हैं, वो नए आदेश को देखा जाए। अभी वो राहुल जी के मामला पूरी तरह से सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। 200 नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई हुई है। बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके लिए एक राहत की खबर निकल कर अब आ सकती है। वही दोस्तों बीपीएससी TRE 3 की एडमिट कार्ड को लेकर भी एक खबर निकल कर आई हुई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें स्टडी गाइड, सामान्य विज्ञान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान और भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। और 2200+ बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसमें मिलेगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम और विषय सूची, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और सामान्य ज्ञान, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो बीपीएससी TRE 3 की एग्जाम को लेकर एक खबर निकल कर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 को होगी परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता 3 की परीक्षा। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता TRE 3 की परीक्षा 15 मार्च को होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से, दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वही बीपीएससी ने जारी किया प्रवेश पत्र। पहले पाली में 6 से 8 तक व दूसरे पाली में 1 से 5 तक के सभी विषयों की होगी परीक्षा। बड़ी खबर निकल कर आई हुई है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बीपीएससी 15 मार्च से इसकी परीक्षा होने वाली है। वही दोस्तों नियोजित शिक्षक लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके लिए एक राहत की खबर निकल कर आ सकती है।